जहां प्रदेश भर में राहगीरी कार्यक्रम आयोजित किया गया, वहीं लोगों को आपसी प्रेम भाव का संदेश दिया जाता है। वहीं भिवानी में राहगीरी कार्यक्रम अनूठी अंदाज में आयोजित किया गया। भिवानी में राहगीरी सफाईगिरी और झाड़ूगिरी बन गई तथा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ आमजन भी सफाई करते हुए दिखे। राहगीरी की मतलब ही रहा चलते कोई भी एक्टिविटी करना है, मगर यहाँ जो एक्टिविटी की गई वे इन दिनों प्रदेश में बेहद जरूरी मानी जा रही है, क्योंकि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। लोगों को सफाई के प्रति जागृत किया जाना बेहद जरूरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, राहगीरी प्रोग्राम जो है पहली बार भिवानी में मनाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा की डायरेक्शन थी कि हर एक जिले में राहगीरी ऑर्गेनाइज की जाए, जिसमें सरकार की जो नीतियाँ हैं उनको बताया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए और लोगों को मोटिवेट किया जाए पार्टिसिपेट करने के लिए कम्युनिटी एक्टिविटीज़ के लिए। मैं जब इस कार्यक्रम में आया तो कुछ बच्चे यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट के माध्यम से आम आदमी को संदेश देने का काम कर रहे थे, जो बहुत ज़रूरी है हमारे समाज के लिए, क्योंकि प्रतिदिन की जो समस्याएं और जो हमारी सामाजिक समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए ये कार्यक्रम बनाया। और लोग इससे संदेश लेके जाएंगे तो निश्चित रूप से उन लोगों का भी भला होगा और समाज का भी। राहगीरी में जो लोग आते हैं, पार्क में घूमने आते हैं, बहुत सारे लोग आ जाए थे। पहली बार ही राहगीरी का आयोजन हुआ था, और क्योंकि आज जो मुख्य मुद्दा है वो सफाई का है, तो हमने राहगीरी को सफाईगिरी में ही कन्वर्ट कर दिया कि जितने भी लोग आए हैं उनको सफाई की अपील भी की गई और वहाँ से ही पार्टियाँ बना करके शहर के विभिन्न भागों में भेजी, ताकि वो जो मुख्य बिंदु हैं जहाँ पर कूड़ा है उन सबको साफ करने में अपना योगदान दें। लोगों की कितनी सपोर्ट है? नहीं, लोगों का बहुत सपोर्ट है। देखिए, एक दिन में तो मैं सभी लोगों की सपोर्ट की उम्मीद नहीं करता, लेकिन आज जैसे हमने किया है तो लोग साथ आए हैं और आगे बढ़ करके आए हैं और आगे भी कमिटमेंट किया है। हमारे प्रधान जी हैं व्यापार मंडल के, ये हैं, इनकी टीम है, ग्रीन सोसाइटी है, वो सुबह से हमारे साथ है, डॉक्टर पी के आनंद, तो सोसाइटी साथ दे रही है, धीरे धीरे और आगे आएगी। आज लोगों ने जहाँ जहाँ हम गए हैं कमिट किया है कि जी हम आगे से सफाई का पूरा ध्यान भी रखेंगे और खुद सफाई भी करें।